गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 19 फरवरी 2019 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है टेक्निकल बॉय मानसिंह मीना और इन क्वेश्चंस की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इन क्वेश्चंस की PDF फाइल। तो वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। वीडियो के लास्ट में पूछे गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या अपनी प्रॉब्लम मेरे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर कर सकते हो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर की दृष्टि से। तो आज के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने सामान्य पर्यटकों को एवरेस्ट बेस कैंप में जाने पर रोक लगा दी है? तो ये रोक लगाई है चाइना ने। हाल ही में चाइना ने जो सामान्य पर्यटक हैं उनको एवरेस्ट बेस कैंप पर जाने पर रोक लगा दी है। अब ये रोक क्यों लगाई है? तो अभी चाइना एवरेस्ट बेस कैंप की सफाई कर रहा है, तो चाइना भी एवरेस्ट बेस कैंप की सफाई कर रहा है, इसलिए ये रोक लगा दी है चाइना ने सामान्य पर्यटकों पर को। अब ये लगाई है चाइना ने, तो मैप में देखते हैं चाइना को। ये रहा मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के वर्तमान प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति है सी जिनपिंग। और चाइना जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो ये भी याद रखना है। तो हाल ही में चाइना ने सामान्य पर्यटकों को एवरेस्ट बेस कैंप में जाने पर रोक लगा दी है। और बात आई है पर्यटक की, तो वर्तमान में केंद्रीय पर्यटन मंत्री है KJ अल्फोंस, तो ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सिंप्लिसिटी एंड विजडम का अनावरण किया गया है? तो ये पुस्तक लिखी गई है दिनेश सहरा द्वारा। तो हाल ही में दिनेश सहरा द्वारा लिखी गई पुस्तक सिंप्लिसिटी एंड विजडम, इस पुस्तक का नाम है सिंप्लिसिटी एंड विजडम, इसी का अनावरण किया गया है। और इसका अनावरण किया किसने? तो इसका अनावरण किया है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। कौन है? केसरीनाथ त्रिपाठी और परमार्थ आश्रम के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती द्वारा इसका अनावरण किया गया है। और कुंभ मेले में परमार्थ आश्रम में दिनेश सहरा द्वारा लिखित एक पुस्तक ये लॉन्च की गई है कुंभ मेले में, सिंप्लिसिटी एंड विजडम, और इसी का अनावरण किया है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी और परमार्थ आश्रम के प्रमुख हैं स्वामी चिदानंद सरस्वती, तो इनके द्वारा अनावरण किया है इस पुस्तक का। तो ऑप्शन ए दिनेश सहरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसको पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं सुनील छेत्री को। यही है सुनील छेत्री और इन्हीं को ही पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। तो इनको अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में भारत के लिए सर्वकालिक अग्रणी स्कोरर सुनील छेत्री को पहला फुटबॉल रत्न दिया गया है। और इन्होंने सक्रिय खिलाड़ियों के बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दूसरे सबसे अधिक गोल किए हैं। तो ये याद रखना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दूसरे सबसे अधिक गोल किए हैं इन्होंने सुनील छेत्री ने। तो ये पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं सुनील छेत्री को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को। हाल ही में टैगोर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? तो ये किए गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। तो अभी 18 फरवरी को टैगोर पुरस्कार प्रदान किए थे रामनाथ कोविंद ने। और ये टैगोर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी इसकी 2012 में हुई थी टैगोर पुरस्कार की शुरुआत। और ये प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाते हैं ये टैगोर पुरस्कार।
और ये काहे कि किसके लिए दिए जाते हैं, तो ये सांस्कृतिक और सद्भाव के लिए दिए जाते हैं टैगोर पुरस्कार। तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टैगोर पुरस्कार प्रदान किए 18 फरवरी के दिन, अभी कल ही किए यानी। और बात करें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, तो ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं भारत के, तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने ईरानी कप का खिताब जीता है, तो ये जीता है विदर्भ ने। तो हाल ही में विदर्भ ने रेस्ट ऑफ द इंडिया को हराकर ईरानी कप का खिताब जीता है। और इसमें इस मैच के अंतर्गत करणवीर प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं, तो करणवीर प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं और ये खिताब जीता है विदर्भ ने रेस्ट ऑफ द इंडिया को हराकर, ऑप्शन बी विदर्भ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच से संन्यास की घोषणा की है, तो ये किए वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं क्रिस गेल, ओपनर प्लेयर हैं क्रिस गेल, यही है क्रिस गेल। और इन्होंने जो अभी विश्व कप होगा उसके बाद वनडे इंटरनेशनल से संन्यास लेंगे, तो यही घोषणा की है। अभी जो 2019 का वर्ल्ड कप होगा इंग्लैंड और वेल्स में 30 मई से 14 जुलाई तक होगा, अभी विश्व कप होगा 2019 में इंग्लैंड और वेल्स में 30 मई से लेकर 14 जुलाई तक आयोजित होगा, तो इसी वनडे के बाद क्रिस गेल वनडे इंटरनेशनल से संन्यास लेंगे, यही घोषणा की है। और इन्होंने 288 एक दिवसीय मैचों में 9727 रन बनाए क्रिस गेल ने, इसमें 23 शतक और एक दोहरा शतक भी शामिल है, तो ये भी याद रखना है। तो अभी क्रिस गेल ने संन्यास की घोषणा की है वनडे मैच से विश्व कप के बाद, और ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत ने ई वीज़ा को कितने देशों में लागू किया है, तो ये क्या है 166 कंट्रीज में, तो भारत ने 166 देशों में ई वीज़ा को लागू किया है। पहले इंडिया ने ओनली 46 कंट्रीज में ई वीज़ा को लागू किया था, लेकिन अब 166 कंट्रीज में ई वीज़ा को लागू किया है इंडिया ने। पहले 46 कंट्री में किया था, लेकिन अब 166 देशों में किया है इसको लागू। अब ये ई वीज़ा होता क्या है, तो जैसे नॉर्मल वीज़ा होता है, वीज़ा तो इसमें एक चिप लगी होती है और इसमें आपकी जो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर की जाती है, तो यही होता है ई वीज़ा। तो इसी को भारत ने 166 देशों में लागू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एक लर्निंग ऐप इन्फोटेक INFYTQ लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है इन्फोसिस ने। हाल ही में इन्फोसिस ने इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एक लर्निंग ऐप INFYTQ लॉन्च किया है, और इन्फोसिस देश की दूसरी सबसे बड़ी IIT फर्म इन्फोसिस ने इंजीनियरिंग और छात्रों को तकनीकी और व्यवसायिक कौशल प्रदान कर सर्वश्रेष्ठ शिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म INFYTQ शुरू किया है। तो तकनीकी और व्यवसायिक कौशल प्रदान करने के लिए ये किया है इन्फोटेक इन्फोसिस ने। अब ये क्या है इन्फोसिस ने, तो इन्फोसिस की स्थापना हुई थी 1981 में, इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और वर्तमान CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सलील पारेख। डिस्कशन से इतनी जानकारी मिल जाती है। हाल ही में इन्फोसिस ने इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एक लर्निंग ऐप INFYTQ लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में युवा पीढ़ी को मौका देने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री ने रिटायर होने की घोषणा की है, तो ये किए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, और उन्होंने यही है शेख हसीना, और इन्होंने युवा पीढ़ी को मौका देने के लिए प्रधानमंत्री पद से रिटायर होने की घोषणा की है, यानी कि अब जो अगला चुनाव होगा प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए जो अगला चुनाव होगा उसमें ये चुनाव नहीं लड़ेगी शेख हसीना। तो जो अगला चुनाव होगा अभी बांग्लादेश में, तो शेख हसीना उसमें प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेगी, जिससे कि युवा पीढ़ी को भी मौका मिलेगा, तो यही है शेख हसीना। अब ये बांग्लादेश की, तो मैप में देखते हैं बांग्लादेश को, ये रहा मैप है बांग्लादेश, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, और बांग्लादेश के वर्तमान प्रेसिडेंट है
अब्दुल्ला हामिद, और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर यही है शेख हसीना। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो हाल ही में युवा पीढ़ी को मौका देने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री ने रिटायर होने की घोषणा की है? तो ये की है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में ब्रूनो गेंज का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक अभिनेता थे ब्रूनो गेंज, और इन्हीं का अभी 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गए हैं, कैंसर की वजह से इनका निधन हुआ है अभी 77 वर्ष की उम्र में। यही है ब्रूनो गेंज। और ऑस्कर से नामित एक फिल्म है डाउनफॉल, कौन सी ऑस्कर नामित फिल्म है एक डाउनफॉल? तो इसमें जर्मन तानाशाह थे एडोल्फ हिटलर, तो इसी की भूमिका निभाई थी ब्रूनो गेंज ने। तो ये इंपॉर्टेंट है जो ऑस्कर नामांकित फिल्म है डाउनफॉल, तो उसमें जो जर्मन तानाशाह है एडोल्फ हिटलर उसी की भूमिका के लिए प्रसिद्ध है ये ब्रूनो गेंज, और इन्हीं का भी कैंसर की वजह से 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गए हैं। अब बात आई है ऑस्कर की, इसमें तो ऑस्कर अवार्ड फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में, तो ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये एक स्विस अभिनेता थे ब्रूनो गेंज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में सरकार ने किस अनाज पर MSP 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाया है? तो ये बढ़ाए हैं चीनी पर। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने चीनी पर MSP 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाया है, और ये MSP क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है मिनिमम सेलिंग प्राइस। क्या है? मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो अभी तक चीनी का मिनिमम सेलिंग प्राइस 29 रुपये प्रति किलोग्राम था, अब उसको बढ़ाकर 31 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है, यानी अब कोई भी शुगर मिल 31 रुपये प्रति किलोग्राम से कम चीनी नहीं बेच सकता, और अब इसको इसलिए बढ़ाए जिससे कि गन्ना किसान का भुगतान आसानी से किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में समलैंगिक अभिभावकों के खिलाफ भेदभाव रोकने के लिए किस देश ने कानून बनाया है? तो ये बनाया फ्रांस ने। तो अभी फ्रांस में समलैंगिक अभिभावकों के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए कानून बनाया है, अब ये कानून है क्या? तो अभी तक फ्रांस में जो पेरेंट्स होते थे उनका नाम माँ और पिता लिखा जाता था, इससे समलैंगिक भेदभाव अभिभावकों के साथ भेदभाव हो रहा था, तो अब फ्रांस गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है कि माँ की जगह पेरेंट वन और पिता की जगह पेरेंट टू लिखा जाएगा। तो माँ की जगह पेरेंट वन और पिता की जगह पेरेंट टू लिखा जाएगा। अब ये क्या है कानून बनाया है फ्रांस गवर्नमेंट ने? तो मैप में देखते हैं फ्रांस गवर्नमेंट को, ये रहा मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, और फ्रांस के करेंसी है यूरो, और फ्रांस के वर्तमान प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो हाल ही में भारत के पहले कृषि पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में, ऑप्शन बी करेक्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा है। अब देखते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन। तो हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर डिटेल के साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें किसी भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप में, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाले सारे वीडियो डेली करंट अफेयर के आप तक पहुंच सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें, और इन क्वेश्चंस की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या अपनी प्रॉब्लम मेरे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर कर सकते हो, यही है व्हाट्सअप नंबर, तो इन पर शेयर कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल का नाम है टेक्निकल बॉय मानसिंह मीना। तो थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।